एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा संदेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं उसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हाउसवाइफ होती है वो किस तरह से घर बैठे बैठे मोटी हो जाती है। बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसा सोचती हैं कि मैं बाहर का कोई जंक फूड नहीं खा रही हूँ तो फिर मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें दो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो दोनों टॉपिक होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला टॉपिक तो ये है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो लोग ऐसा सोचते हैं, अरे शादी हो गई है तो शादी लग गया इसलिए मोटी हो गई। या फिर आपके बच्चे हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं बच्चे हो गए तो इसलिए मोटी हो गई है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा समटाइम ऐसा भी होता है और समटाइम ऐसा नहीं भी होता है। होता है कि मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं, आप क्या सोचते हैं कि हम पूरे घर का काम कर लेते हैं, हम खाना बना लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ खाएंगे। तो ये सारे करते करते क्या होता है कि हमें 11 से 12 बज जाता है। लेकिन जो 11 से 12 बजे तक आपका जो खाली पेट रहता है, अचानक से आप 12 बजे सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक घंटे के बाद आप लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद आप पूरा फिर एक बजे जब आप लंच करते हैं तो पूरा टाइम आप कुछ नहीं खाते। शाम को 6 बजे आपने चाय पिया, चाय के साथ कुछ बादाम सदाम ले लिया, आपने ये खा लिया और फिर रात को आपने डिनर कर लिया। तो ये जो चीजें जो हमारी गैपिंग है ना, इस गैपिंग में भी हम एक हाउस वाइफ है ना, जो हम सोचते हैं कि अरे हम घर का खाना खा रहे हैं, घर पर बैठे बैठे हम मोटे हो जा रहे तो क्यों हो जा रहे हैं? तो यही कारण है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब है, बहुत टाइम से उसने कुछ भी नहीं खाया, 3-4 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, आपने उसको 5 kg आटा दे दिया, वो 5 kg आटा एक साथ तो नहीं खाएगा, वो क्या करेगा कि धीरे 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 करेगा। पहले उसने 1 kg निकाला, 1 kg को खत्म करेगा, 4 kg को कहीं और रख देगा, तो पहले 1 kg को खाएगा। तो इसी तरह से हमारा बॉडी है कि आप एक साथ पूरा खाली पेट रहते हो और अचानक से आप खा लेते हो तो हमारा जो हार्मोन है ना वो हमारे बॉडी को और भी ज्यादा इस तरह से गेन करता है और भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इसलिए हाउसवाइफ ज्यादा मोटी हो जाती है। कोई भी हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, मतलब पहले क्या था कि हम ऑफिस जा रहे थे या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा वर्क होता है, हम बहुत ज्यादा चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर पे नहीं काम करते, हम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, इतने सारे कपड़े धोते हैं, लेकिन हमारा फिजिकली वर्क नहीं होता, मतलब हम ज्यादा चल नहीं पाते। जो है हम ये सारी चीजें करते हैं और घर में बैठ जाते हैं, तो इसलिए और घर की चीजें आप इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइम ब्रेक लेके खाते हो तो इससे भी आपका बॉडी गेन हो जाता है। तो ये तो पहला था। दूसरा क्या था, अब मैं ऐसा भी नहीं बोलती हूँ कि आपको मैं बोली कि आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने डिनर किया, आपने लंच किया तो भाई कैसे हमारा वेट कम होगा, हम तो और मोटे हो जाएंगे। जी मोटे हो जाएंगे, लेकिन आपको दूसरे टॉपिक में मैं क्या बता रही हूँ कि आप मोटे हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको खाना है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको ओवर ईटिंग करनी है। आपको उतना ही खाना है जितना कि आपके शरीर को पोषण चाहिए, जितना कि आपके बॉडी को जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए आप 2 चपाती खाते हैं, आपने 2 चपाती ब्रेकफास्ट में खाया, ब्रेकफास्ट में जो चपाती खाए आपके बच्चे ने 1 चपाती छोड़ दी, आप सोचते हैं क्यों वेस्ट करना है, क्यों फेंकना है, लाओ मैं ये चपाती खा लेती हूँ। या फिर आपको आपने राइस खाया, कोई किसी ने आपके हस्बैंड ने बोला कि ये लो मेरे राइस में, इतना नहीं खाऊंगा तुम खा लो, आप सोचे क्यों वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मैं उसे खा लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग किए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे आपको 2 चपाती खाया, आपने वो उसने 1 चपाती दी आपने वो भी खा लिया, आपने एक और चपाती खाया, तो इससे हम ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं, मतलब हम जोर से ज्यादा खाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम खाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम मोटे तो होंगे ना। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप जोर से ज्यादा खा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप चपाती लीजिए, आप 2 चपाती खाते हैं, आप 2 चपाती खाइए, आप लंच करते हैं आप लंच कीजिए, आप राइस हल्का खाइए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ पूरा भर भर के खाना, क्वांटिटी जो आपकी खाने की है ना वो थोड़ा आप कम कीजिएगा ना, तो थोड़ा कम करना, आपको बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं खाना, एकदम बॉडी है ना जितना आपकी बॉडी को जरूरत है आप उतना ही खाएं। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 2 चपाती इनफ होती है, आप 2 चपाती खा रहे हैं, लंच में आप थोड़ा राइस खा लीजिए, फिर आप अगर स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आप चाय पीते हैं तो कॉफी पीते हैं तो आप ये सारी चीजें लीजिए। मैं तो कहूँगी हाउसवाइफ अगर ग्रीन टी लेती है तो हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर, ग्रीन टी लेते हो तो इससे आपका वेट बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो आप ग्रीन टी सकते हो, चाय की जगह आपको आदत है चाय की तो आप चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप ग्रीन टी लीजिए। और फिर क्या है कि आपको डिनर करना है तो आप डिनर कीजिए, बस मैं इतना कहती हूँ कि ओवर ईटिंग मत कीजिए। तो पहला तो ये था कि आपको एकदम भूखे नहीं रहना है। बहुत को ऐसा होता है कि बहुत हाउस वाइफ ऐसा सोचती है कि मैं सुबह से शाम तक तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सीधा डिनर कर लूंगा, इससे आप ये मत सोचिए कि आप पतले हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, और भी आप मोटे हो जाएंगे। तो आप सबसे पहला टॉपिक आपको भूखे नहीं रहना है और दूसरा आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। हाँ अगर आपके बच्चे ने चपाती छोड़ दी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, उसको फेंकना नहीं, आप फोल्ड करके रख दीजिए, बाद में आप ही उसे खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ओवर ईटिंग मत कीजिए, भूखे मत रहिए, ये सारी चीजें आप कीजिएगा तो एक हाउसवाइफ अपने बॉडी को मेंटेन कर सकती है।
तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना वो सोचती है मुझे डाइट नहीं करना, क्योंकि हम डाइट नहीं कर पाते, हमें वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखें ना तो आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो गाइस। तो इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए और आप ओवरईटिंग मत कीजिए, ज्यादा टाइम भूखे भी मत रहिए, ये सारी चीजें कीजिए, आपका वेट आराम से मेंटेन रहेगा, आप खुद भी मेंटेन रहेंगे, आप खुद ने फील करेंगे कि हाँ मैं मेंटेन फील कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें कीजिए गाइस, लोगों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।